दोस्तों आज की इस वीडियो में जानें कि क्या होगा अगर भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध हो जाए। टीवी खोलो पाकिस्तान, अखबार खोलो पाकिस्तान, इंटरनेट पर भी पाकिस्तान। दोस्तों सितंबर और अक्टूबर 2019 के दौरान देश के लीडिंग हिंदी न्यूज चैनल्स ने तो महीने में 50% या फिर आधे से भी ज्यादा डिबेट सिर्फ पाकिस्तान पर किए हैं। भारत का मेनस्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि उसे पाकिस्तान पाकिस्तान करने के अलावा और कुछ आ ही नहीं रहा। और अगर आप सोचते हैं कि ये हाल सिर्फ इंडिया का ही है तो नहीं, आपको बता दें कि पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स भी टीआरपी के इस युग में इंडिया पाकिस्तान को एक अच्छा सेलिंग प्रोडक्ट मानते हैं। लेकिन ये न्यूज चैनल्स ये नहीं जानते कि जो नफरत का जहर ये घोल रहे हैं उस जहर का रिजल्ट हमारी अगली पीढ़ियों को भी उतना ही भुगतना होगा जितना हमें आज भुगतना पड़ रहा है। आप सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। बातचीत से मसले हल करने की बात करना तो दूर, यहाँ का मीडिया जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी माना जाता है, सरकार के साथ सुर से सुर मिलाकर पाकिस्तान की बैशिंग करने में मशगूल है। क्या दोनों देशों की मीडिया की ये नफरत दोनों देशों को युद्ध की ओर नहीं धकेल रही? पुलवामा अटैक के बाद तो भारत की जनता का आक्रोश सातवें आसमान पर पहुंच गया था लेकिन सरकार ने कोई भी गैर जिम्मेदाराना कदम नहीं उठाया। लेकिन क्या हो, आखिर कैसा होगा अगर भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ जाए, आइए जानते हैं मिलकर आज की इस वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द मिस्टिकल लैंड पर एक बार फिर। इससे पहले कि हम वर्तमान के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एनालिसिस करें, आइए डालते हैं एक नजर इन दोनों देशों की दुश्मनी के इतिहास पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी 1947 में बंटवारे के साथ ही शुरू हो गई थी। 1948 में पाकिस्तान ने जब कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा करना चाहा, तब जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी, जिसके बदले में उन्होंने जम्मू कश्मीर का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भारत के साथ साइन किया। चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका था इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उनके साथ मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1948 में जिस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था अब वो पाकिस्तान अधिकृत आजाद कश्मीर कहलाता है। भारतीय कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर को लाइन ऑफ कंट्रोल ने अलग कर दिया। कश्मीर के इसी विवाद के चलते बाद में 1965 और फिर 1971 में इन दोनों देशों के बीच जंग भी हुई जिसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। 1999 में कारगिल भी किसी युद्ध से कम नहीं था और आज तक इन दोनों पड़ोसी देशों में तनातनी बनी रही है। और भारत में राष्ट्रवादी सरकार के कार्यकाल में तो ये दुश्मनी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आलम ये है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री परमाणु हमले की बात करने में भी हिचकते नहीं। लेकिन क्या इन्होंने या फिर आपने सोचा है कि अगर यहाँ उपमहाद्वीप पर परमाणु युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या होगा? आपकी कल्पना से भी परे है वो तबाही जो यहाँ बरपेगी और आने वाली कई पुश्तों पर इसके निशान देखने को मिलेंगे। बात करें परमाणु हथियारों की, उससे पहले जानते हैं भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के बारे में। सबसे पहले है सेना का बजट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक भारत ने 2018 में सेना को कुल 4,00,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था। आपको बता दें कि ये बजट देश की जीडीपी का कुल 2.1% है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने पिछले साल अपनी सेना को 1.26 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए यानी कि करीब 65,000 करोड़ भारतीय रुपए का बजट आवंटित किया था जो पाकिस्तानी जीडीपी का तकरीबन 3.6% है। अपने देश की जीडीपी का भारत से भी ज्यादा बड़ा हिस्सा पाकिस्तान हथियारों पर खर्च कर रहा है जबकि देश की हालत भूखे मरने जैसी हो गई है। भारत का सुरक्षा बजट पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $8 अरब यानी कि तकरीबन 57,700 करोड़ रुपए ही बचे हैं और उसे दूसरे देशों से पैसे मांगने की जरूरत भी पड़ चुकी है। सेना का साइंस IISS के मुताबिक भारत के पास 12 लाख सैनिकों का दस्ता है जिनके पास 3,100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 336 हथियारों से लैस गाड़ियां और 9,719 तोपे हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बेड़े में कुल मिलाकर 5.6 लाख सैनिक है जो भारत के मुकाबले आधे से भी कम है। साथ ही पाकिस्तान के पास सिर्फ 2,496 टैंक, 1,605 हथियारों से लैस गाड़ियां और 4,472 तोपे हैं। साफ तौर पर भारत पाकिस्तान से ज्यादा संपन्न और सामरिक दृष्टि से ताकतवर देश है। अब बात करते हैं हवाई ताकत की। भारत के पास कुल 814 लड़ाकू विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 425।
हालांकि भारत के MiG-21 जैसे रूसी विमान अब रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में हवाई ताकत थोड़ी कमजोर पड़ सकती है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान कम जरूर हैं, लेकिन चीन के F-7PG और अमेरिका के F-16 फाल्कन जेट जैसे पावरफुल विमान उनकी एयरफोर्स का हिस्सा है, जो एयर बैटल में किसी भी दुश्मन के लिए चिंता की चीज है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास 7 ऐसे विमान हैं जो अर्ली वार्निंग और एयरक्राफ्ट कंट्रोल जैसे फीचर से लैस हैं। ये भारत की तुलना में 3 ज्यादा हैं। हालांकि रफाल फाइटर जेट के भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की एयरफोर्स और मजबूत हो जाएगी। अगला है समुद्री ताकत। भारतीय नौसेना के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 14 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल वेसल्स और 75 लड़ाई करने की क्षमता वाले एयरक्राफ्ट हैं। इसके अलावा कुल भारतीय नौसैनिकों की संख्या 67,700 है, जिसमें मरीन और नेवल एविएशन स्टाफ भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नौसेना में 37,000 नौसैनिकों के साथ साथ 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन, 17 पेट्रोल वेसल और 8 लड़ाई करने की क्षमता वाले एयरक्राफ्ट शामिल हैं। दोस्तों, अब आते हैं परमाणु हथियार और मिसाइलों पर। दोनों ही देशों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला कर सकती हैं। भारत के पास 9 इसी तरह की मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि-3 भी शामिल है, जो 3,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। जहां एक और भारत के पास 130-140 परमाणु बम है, वहीं पाकिस्तान के पास 140-150 परमाणु बम है। अगर परमाणु युद्ध हो गया तो क्या होगा? भारत हो या पाकिस्तान, दोनों ही देशों के पास इतने परमाणु बम है कि देखते ही देखते तबाही मचाने के लिए काफी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इशारों इशारों में परमाणु युद्ध से पीछे नहीं हटने की बात कह चुके हैं। उनका कहना है कि अगर हमें खतरा लगा तो हमारे पास भी परमाणु बम है, हम दुश्मन को नेस्तानाबूद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, क्या परमाणु युद्ध विकल्प है भी? अगर परमाणु युद्ध होता है तो महज एक हफ्ते के अंदर 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे, जिनमें से 50 लाख तो झुलस जाएंगे। सरहद की दोनों तरफ तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो पहले कभी ना देखा गया हो। इतना रेडिएशन फैलेगा कि लोग तिल तिल कर मरेंगे और इसका असर सालों तक रहेगा। वही परमाणु हमलों से पैदा हुए धुएं का गुबार इतना ज्यादा होगा कि सूरज की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ परमाणु सर्दी पड़ेगी, इस सर्दी की वजह से पेड़ पौधे मर जाएंगे और लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। यही नहीं, दुनिया की आधी ओजोन की परत भी बर्बाद हो सकती है। इस युद्ध का असर सिर्फ भारत या पाकिस्तान पर ही नहीं बल्कि कई देशों पर पड़ेगा। ये कितना भयावह साबित होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक आतंकवाद से जितने लोग मरे हैं, सिर्फ एक परमाणु युद्ध में उससे 2000 गुना ज्यादा लोग मारे जाएंगे। दोस्तों, इन सब तथ्यों को जानने के बाद आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि परमाणु युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, युद्ध की आग में सब कुछ तबाह हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान को तो इससे भारी नुकसान होगा ही, हमारे पड़ोसी देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे। इसके चलते ही तो पाकिस्तान आए दिन आंखें तरेरता है। वह अच्छे से जानता है कि परमाणु हमला कोई नहीं कर सकता, भारत पहले हमला करेगा नहीं और पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखता। लेकिन दोस्तों, भविष्य में जाकर कौन देख पाया है, ऐसे हथियारों का होना ही एक बड़े खतरे से कम नहीं। ऐसे में जरूरी है अपने पुराने मनमुटाव पीछे छोड़कर एक नई सदी में कदम रखने की और आपसी शांति और व्यापार से तरक्की के नए रास्ते खोलने की। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि कभी हम भी इन चीजों से ऊपर उठकर यूरोप के देशों या फिर अमेरिका जैसे एक विकसित मुल्क बन पाएंगे। तब तक हमारी अमन की ये मुहिम यूं ही चलती रहेगी। कोई भी बात अगर पसंद ना आई हो तो नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। अगर कोई आई हो तब भी फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा YouTube चैनल द मिस्टिका लैंड ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अब हम Facebook पर भी हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब हमें इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।